Hello guys, today I am coming to solve the questions in the chapter similarity from exercise 6.3 question number 4. So hum question number 4 pe focus karte hain. In figure QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2, show that triangle PQS similar triangle TQR. Question ko figure se समझने की कोशिश करेंगे. आपको क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशियो क्यू टी अपॉन पी आर के रेशियो के इक्वल दिया हुआ है और आपको एंगल वन एंगल टू के इक्वल दिया हुआ है. तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे चलते हैं. सबसे पहले गिवन गिवन में हम लिख लेंगे इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. ये गिवन है. टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर. तो अब आप फिगर से देखिए ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर शो करना है हमें ट्राइंगल टी क्यू आर के. तो दोस्तों प्रूफ की तरफ चलते हैं. सबसे पहले फाइनली हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, दोस्तों फिगर से देख लीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर आपका ये है. सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, सिंस एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये हमको गिवन था. सो इसके बिहाफ पे हमने लिख लिया है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. फाइनली आगे चलेंगे हम. देयरफोर साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड पी आर, ये आपकी थ्योरम है. नाउ द साइड अपोजिट, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. गाइज अगर किसी भी एक ट्राइंगल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स, एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी हमारी इक्वल होगी. ठीक है, उसके बिहाफ पे हमने पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लिख लिया है. नाउ लेट इक्वेशन वन पुट. आगे चलेंगे. सिंस हमें एक रिलेशन दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर. फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे. देयरफोर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन QP from equation first. देखिए equation first में देख लीजिए PQ या QP एक ही बात है is equal to PR. तो इसके बिहाफ पर हमने PR को यहां से eliminate कर दिया है और PR की जगह पे हमने QP put कर दिया है. Finally इसको हम equation 2 put कर लेंगे. अब हम चलेंगे in triangle PQS एंड ट्राइंगल टी क्यू आर. सिंस वी नो दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. देखिए इक्वेशन सेकेंड में ये रिलेशन हमारा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी. इसी के बिहाफ पर हमने लिख लिया है यहां पे एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. दोस्तों एक बार ट्राइंगल्स हम देख लेते हैं. ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, आप देख रहे हैं दोनों में एंगल क्यू कॉमन है. फाइनली अब इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं देयरफोर
ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। दोस्तों यहां से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा जिसके बिहाफ पर हमने इसको ट्रायंगल पी क्यू एस को सिमिलर कर दिया है टी क्यू आर के। ये जो आपका रूल है ये आपका एस ए एस सिमिलरिटी रूल है, एस ए एस सिमिलरिटी रूल है। इसको जरा हम फिगर से समझ लेंगे। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हैं, सपोज दैट ए बी एंड सी, और दूसरा आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर हम कहें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंस एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल होता है, ठीक है, एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल है और एंगल ए को बनाने वाली साइड ए बी और एंगल पी को बनाने वाली साइड पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के इक्वल प्रोपोर्शन में है, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, देन वी आर राइट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। दोस्तों ये ऐसे है सिमिलरिटी क्रिएशन है और इसी बिहाफ पर हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया है। सो गाइस ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।